सोजखानी तो जिन हजरात ने सुना हुआ कलाम उनको इसमें बहुत सारे वो बंद सुनाऊंगा, वो अशार जो उन्होंने नहीं सुने होंगे और हर जगह सुनाए भी नहीं जा सकते हैं और हर जगह सुनाता भी नहीं। सोजखानी तो खिदमत ही ज़हरा की है, शायरी भी मेरी उनसे मंसूब है। खिदमत खल्क तहरीर तकरीर हो, जो भी है वो सभी उनसे मंसूब है। ये महज शायराना ताल्लुक है, खबरदार जो किसी ने इसे सही समझा। आधी बात इसमें सही है, पहली है गुलामी आले नबी का समर, मुझको साद कहते हैं अहले नदर। आधी बात सही है गुलामी आले नबी का समर, मुझको उस्ताद कहते हैं अहले नजर। इसमें गैरत ही क्या सबको मालूम है, इसमें गैरत ही क्या सबको मालूम है, इसमें गैरत ही क्या सबको मालूम है। हर बड़ा आदमी उनसे मंसूब है। आसिया साई नहीं साहब, फिर की मादर साहब आपको अलग से सुना दूंगा। आसिया साई तरसील पैगाम हक, गाह गहवार जुम्बानी हसनैन की। आसिया साई तरसील पैगाम हक, गाह गहवार जुम्बानी हसनैन की। पंजतन का है खादिम जो रूहुल अमीन, उसकी हर नौकरी से मंसूब है। तीन शाबान हो या हो तेरा रजब, या ज़ुल्हिज की अठारह चौबीस हो। तीन शाबान हो या तेरा रजब, या ज़ुल्हिज की अठारह चौबीस हो। या इसी तरह की कोई तारीख हो, अपनी हर एक खुशी उनसे मंसूब है। उनके मस्तों मलंगों की दीवानगी, गैरती आगही रश के फरजानगी। वाइजाला से गौ उनको ताने न दो, जिनकी दीवानगी तो मंसूब है। गैरते आगही, गैरते आगही रश्क फरजानगी, उनके मस्तों मलंगों की दीवानगी। वाइदाना से गौ उनको ताने न दो, जिनकी दीवानगी उनसे मंसूब है। वो अस्माशर मुस्तफा सैयदा, सब के सब ही मोहम्मद है मुश्किल कुशा। जो भी चाहो किसी दर से भी मांग लो, सारी बारादरी मंसूब है। उनके दुश्मन के दुश्मन से है दोस्ती। थोड़ा सा एक्सरसाइजिंग मिस रहा है।
हमारे एक दोस्त आलिम दीन वहाँ बहुत दिनों तक परेशान रहे, फिर बिलाकर उन्होंने फोन किया, ये जो आपने कहा है ये क्या हिसाब बना। मैंने उन्हें फिर लिख के समझाया कि क्या हिसाब बना। उनके दुश्मन, तो वो जो दोस्तों की तीन किस्में हैं, एक बराहराज दोस्त और एक दोस्त का दोस्त और एक दुश्मन का दुश्मन। तो मैं कम अज कम उस कैटेगरी में नहीं हूँ कि मौला का दोस्त क्या उनके दोस्तों का भी दोस्त बन सकूँ, जिस सब में कंबर और मकदार और सलमान और गुजर जैसे लोग हैं। तो बस जो बस हमारा बस ये समझ लें जो उनका दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है, हम उसके दुश्मन है, यही दोस्ती की कदर मुश्तरक है जिससे मैं कहूँ। उनके दुश्मन से है दोस्ती, उनका जो दोस्त है वो है आका मेरा। उनके दुश्मन से है दोस्ती, उनका जो दोस्त है वो है आका मेरा। अपनी क्या दोस्ती अपनी क्या दुश्मनी, दोस्ती दुश्मनी है। अपनी क्या दोस्ती अपनी क्या दुश्मनी, दोस्ती दुश्मनी उनसे मंसूब है। कौन कहता है साया न हजरत का था, बन के साया नबी का रहे मुर्तजा। कौन कहता है साया न हजरत का था, बनके साया नबी का रहे मुर्तजा। मकसद हक में शायद सिवात से हर हदीस नबी से है। मकसद हक में शायद सी बातें हर हदीस नबी से मंसूब है। जाहिर है कि अमीर मोमिनीन अपनी विलादत से हजरत के वसाल तक उनके साथ रहे और बमुश्किल 3.5 हदीस जो है वो उनसे मरवी हैं। और वो जो 8 हिजरी के बाद यानी फतेह मक्का के बाद तशरीफ लाए और 11 हिजरी के आगाज में जो निकल मतलब ये कि उनकी सोबत से निकल लिए, तो उनसे 7,000 के करीब हैं, 4,000 तो हैं। अब इसी से मुत्तसिल दूसरा शेर है। फतह मक्का के भी बाद मुस्लिम हुए, झूठी सच्ची हदीसें जो गढ़ते रहे। फतह मक्का के भी बाद मुस्लिम हुए, झूठी सच्ची हदीसें जो गढ़ते रहे। वो जो सरकार से हर तरह दूर से, हर कहीं कहीं मंसूब है। वो जो सानियो बट साहब के लिए शेर, आप कभी पुलिस में तो नहीं रहे, शुभ होता है मुझे।
वो जो सानी उस्ताद इबलीस थे, जिनकी शोहरत है गैज़ो गज़ब और ज़रर। वो जो सानी उस्ताद इबलीस थे, 18 जलीस को, वो तो खैर उसके पहले की बात है, ये मिश्रा उसके बाद की जो बात है वो ये हुआ कि 18 जलीस को एक हदीस आती है कि जिस रास्ते पे आप होते हैं उस रास्ते शैतान हट जाता है, जाहिर है। वो जो सानी उस्ताद इबलीस थे, जिनकी शोहरत है गैज़ो गज़ब और ज़रर। एक बेचारी पुलिस ही पक्का मुख़सर, हर बुराई बड़ी तो पढ़ा है सूरत अलमोमिनीन और कदफ अलमोमिनीन, मैं क्या करूं, हर बुराई तो बयान भी नहीं की जा सकती है। नंबर टू, एक बेचारी पुलिस ही पक्का हर बुराई बड़ी उनसे मंसूब है। ज़ाहिर है हुब्बे साहबा हमारा ईमान है, अभी ये भी फरमा रहे थे, लेकिन एक अजीब बात है कि हुब्बे साहबा की तह से बुग़्ज़े अहले बैत की बू क्यों आती है, ये बड़ी अजीब सी बात है। पंजतन से मोहब्बत बुजुर्गों को थी, आपका दावा हम मान भी लें अगर। पंजतन से मोहब्बत बुजुर्गों को थी, आपका दावा हम मान भी लें अगर। बंदा परवर मगर का क्या है सबब, अब भी हर खार जी बंदा परवर मगर इसका क्या है सबब, अब भी हर खार जी। आपने खारजी दूसरा होता है, आपके यहाँ तो मैं भी खारजी हूँ, बल्कि आप में ज्यादातर खारजी हैं मकान है। वो हमारे पाकिस्तान वाला खारजी का है, मैंने वैसे इस्लाम वाला दुबई वाला नहीं, वो तो आप लोग सभी बहुत सारे खारजी हो। अब भी हर खारजी, वही तो आपको मुझे ख्याल आ गया कि तो बड़े गड़बड़ हो गई। अब भी हर खारजी उनसे मंसूब है। अच्छा साहब, मैं इसमें बहुत सारे शेर है, वो रेहान आदमी की वैसे छोड़ देता हूँ, ये बुरा मानते हैं। मैं कब्र उनसे मुलाकात की है जगह, मैं यही सोच कर कब्र तक आ गया। कब्र उनसे मुलाकात की है जगह, मैं जगी सोच कर कब्र तक आ गया। जिंदगी भी अता मेरे मौला की थी, नेमत मौत भी जिंदगी भी। कब्रों से मुलाकात की है जगह, मैं यही सोच कर कब्र तक आ गया। जिंदगी भी अता मेरे माला की थी, नेमते मौत भी से मंसूब है। हमारे यहाँ हाजिर से हर तब्बासी की होती है, मैं सोचा करता था ऐसा क्यों होता है, मालूम किया तो पता चला
कि दो मुहर्रम से दस मुहर्रम तक इतनी मसरूफियत रही मौला अब्बास की कि उन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया। यही वो खास तौर पे चार मुहर्रम से जो खेमे उठाए जाने के बाद जो जाहिर है कि अमर इमाम था उसने उसकी करनी ही थी तामीर, खेमे उठाए जाने के बाद से फिर किसी ने मौला अब्बास को खाते पीते बाकायदा नहीं देखा। यही वजह है कि हाजरी जो है वो मौला अब्बास के नाम से मंसूब। वो जो अब्बास हैं गाजी सफ़ शिकन उनके मद्दाह अल्लाह और पंजतन। वो जो अब्बास हैं गाजी सफ़ शिकन उनके मद्दाह अल्लाह और पंजतन। खिदमत शाह दीन जो हाजिर रहे आज तक हाजरी उनसे मंसूब है। खिदमत शाह दीन जो हाजिर रहे आज तक हाजरी उनसे मंसूब है। तेरे ममदूह हैं मालिक दो जहां सबसे जा पर वो हैं जब तेरे कदरदान। तेरे ममदूह हैं मालिक दो जहां सिबते जा पर वो हैं जब तेरे कदरदान। क्यों तुझे फिक्र है दाद बेदाद की जब तेरी शायरी मंसूब है। मसाइब।